हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। नहीं 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 इतना साथ देने वाला पति किसी को किसी किसी को मिलता है। सही। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो क्या हाल है आपका, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी ना 12 बज चुके हैं जी और हम सब हो गए हैं बस रेडी। तो फिलहाल ना हमारा जो है आज का शूट बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। तो एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करने भी जाना है बाहर। और फिलहाल जो स्टोरी है ना तो वो भी एनिवर्सरी के ऊपर ही है। कल भी मम्मी ने वैसी बनाई थी तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था और आज का भी हमारा बहुत ही मज़ा आने वाला है शूट में। तो फिलहाल हमारा जो है लंच और ब्रेकफास्ट जो एक साथ ही होता है ब्रंच, तो वो हो चुका है रेडी। तो यहाँ पे है जी आलू गोभी की सब्जी और साथ में रायता रोटी। तो फटाफट से अपना ब्रंच ख़त्म करते हैं। और मम्मी का ना सुबह से थोड़ा सा बीपी जो है प्लस था तो अभी मेडिसिन लेके ना मम्मी रेस्ट ही कर रहे हैं। तो अभी अंदर से आवाज़ आ रही है कि जल्दी से रेडी हो जाओ सारे, क्योंकि 10 मिनट में मैं उठ के नहा के रेडी हो रही हूँ और सीधा स्टोरी पे लगते हैं हम आज। ओके मम्मी, 10-15 मिनट मम्मी ने दिए हैं सिर्फ लास्ट वार्निंग के कि 15 मिनट में रेडी चाहिए मुझे सारे। तो 15 मिनट में हम होंगे रेडी। ओके ज्योति, 15 मिनट में रेडी चाहिए बस। लंच कर लिया अंजलि और तूने? चलो फिर फास्टली कर दो आज ख़त्म। तो दोस्तों अभी 5 बज गए शाम के और हमारी चाय हो रही है रेडी। आज ना स्टोरी अंजलि और ज्योति की थी सिर्फ दोनों। और मम्मी अभी अभी उठ के आए हैं बाहर। मम्मी जस्ट अभी उठे हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। तो मम्मी ने अभी तक मुंह भी नहीं धोया था तो अभी यहाँ पे सीधा कर रहे हैं फेशियल ऑक्सी। ओके ठीक है जी। और यहाँ पे चाय कर रही है अंजलि रेडी। लड्डू भी हमारा उठ चुका है, लड्डू सो गया था दोपहर को। लड्डू हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग। कर दे बेटे। चाय हो रही है ज्योति रेडी बस। अंजलि बिस्किट कौन से बड़े हैं? गुड्डे और कुत्ते वाले। गुड्डे गुड्डे खा लेंगे। ये दोनों में से कोई भी नहीं पसंद, कोई और नहीं पड़े हैं अंजलि? क्या यार, कोई बढ़िया बिस्किट ही नहीं होते घर में। पहले ना हम बेकरी वाले लेके आते थे लेकिन ना बीच में बोर हो गए थे हम बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बंद कर दिए थे हमने। तो अब लगता है दोबारा से बेकरी वाले शुरू करने पड़ेंगे, है मम्मी? अच्छे लगते हैं बेकरी वाले। हाँ आज कोई बढ़िया बिस्किट लेके नहीं आता। ठीक है ठीक है। तो अभी दोस्तों रात के ना 8:30 बज चुके हैं और मम्मी, सबसे पहले तो ना मम्मी और पापा का ही दिखाता हूँ लुक मैं कि कैसे रेडी हुए हैं। मम्मी दिखाना सूट, दिखाओ अपना। और साड़ी पानी सी बहुत ठंड करके मैं क्या मैं लोगों के कमेंटा तो डर गई। मैं के कहूंगे सारा दिन तो आंटी बिस्तरे च सुती रही, हूं उठ के साड़ी उनके होटल वाली तैयार होगी। मैं के थोड़ी शर्म रख ला, बीमार आ, सर्दी वाला सूट ही पा ला। तो बहुत अच्छा लग रहा है मम्मी सूट। अच्छा बहुत ही अच्छा, बहुत ही कुछ डिफरेंट। और पापा के ब्रांड ने ज्यादा देर और दवाई देती 15 मिनट बाद। ओके पापा भी ओके लग रहे हैं पूरे। बीमार तो कोई भी हो सकता है, बीमार वाले की गल है। बहुत बढ़िया लग रहा है पापा सूट। और अंजलि और ज्योति के भी नए हैं। ओए देखियो गिर गई अंजलि, तू पीछे क्यों खड़ी हुई? फोन उठा रही थी इधर से। और अंजलि का भी नया सूट है, बहुत ही गुड डिफरेंट स्टाइल। और ज्योति का भी तू भी दिखा ब्लैक। शिवराम सबका आएगा नंबर। वाओ शिवराम आज ना रेडी होके आया है बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है शिवराम। और दीदी भी आ चुके हैं हमारे सेलिब्रेशन के लिए। दीदी के साथ खड़ी होती है। पर हमारे साथ नहीं जा रहे आज जी। हाँ अच्छा मना कर रहे हैं आशु। जाएंगे नहीं? मैं तो इतना बोल रही हूँ चलो। क्यों? ये ठीक नहीं है, इसके PT2 स्टार्ट है ना। अच्छा ठीक नहीं है, डॉग ने बाइट किया था ना। नहीं अभी हम आपके साथ हैं। चलो केक कट करते हैं अभी। और लड्डू भी हमारा हो गया है रेडी। हेलो लड्डू। और मेरे भी दिखा दो यार कोई। तो ये है मेरे। और अभी आशु भैया भी घर पे आ चुके हैं और रेडी हो चुके हैं केक लेके। डबल व्लॉग केक लेने में टाइम लग गया। केक ना इनकी फैक्ट्री में बन रहा था तो वहां से आने में टाइम लग गया बस। यस हम कब से रेडी का दे रखा था, दिक्कत।
तो केक हो रहा है यहाँ पे ओपन। मम्मी कितने साल हो गए पापा शादी को जी? हैं जी 31 31 93 में हुई थी, पता नहीं 31 या 32। 31 वहाँ स्टार्ट हो गया। नहीं 32 वहाँ हो गया, 93 में हुई थी। 31 हो गए पूरे। 31 हो गए पूरे। तो केक देखते हैं कि कैसा है। वाओ हो 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 हो, ये तो कुछ मम्मी डिफरेंट बना के भेजा है ना। वो भैया बोल ही रहे थे कि कुछ स्पेशल बना के भेजूंगा, बस डिफरेंट बिल्कुल। ऊपर फ्रेश रोज लगवाऊंगा। वाओ बहुत ही सुंदर केक है अंजलि। और चलो 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 आ जाओ पापा जी। कुछ ना लगाओ आशु, हाँ कैंडल्स ना लगाओ। तो अभी केक का टाइम। बच्चे 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 साथ में चलो। हैप्पी एनिवर्सरी श्री, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा, कांग्रेचुलेशंस। आ देखो स्पून। लो जी पहले बच्चे 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 यस। चलो जी अब मम्मी की बारी। नहीं चम्मच, मम्मी पापा की बारी। इस पा देना अंजलि। नहीं नहीं बस यही कराओ। ठीक है कांग्रेचुलेशंस। तो दोस्तों अभी हम हैं स्वागत में और यहाँ पे ना मुझे लगता है मम्मी और पापा ने ना एक दूसरे को विश नहीं किया। विश नहीं किया क्या मम्मी? नहीं। ओ तेरी। पापा जी आपने? मैंने तो दो बार कर दिया सुबह से। एक बार कल का। ओके तो मम्मी गलती आप किया देखो। एक बार सुबह 8 बजे की, एक बार अभी की थोड़ी देर। बस ये गलती आपकी है मम्मी। व्लॉग में आया होगा। ओ नहीं 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 देखो अगर पापा कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच नहीं बोलता। पापा चाहते हैं कि मैं 7 जन्म तक इनकी पत्नी बनूं। तुम परेशान हो इसी जन्म से? नहीं 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 इतना साथ देने वाला पति किसी को किसी किसी को मिलता है? सही आगे भी ले बस जान में जान है। और क्या ऐसे बोल के हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी को मजा नहीं आता। वो तो फॉर्मेलिटी है। बात तो ये होती है कि 7 जन्म तक साथ चाहिए। साथ इनका बिल्कुल। और ऐसे ऐसे प्यार नहीं नहीं आपसे मतलब नहीं है मुझे, मुझे ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए असल में। आशु अंजलि जैसे। तेरी सोच को सलाम है। इसीलिए बस साथ मांग रही हूँ। वैसे कोई बात नहीं है। तब भी साथ हूँ मैं, तब भी साथ। आशु अंजलि जैसे बच्चे चाहिए, आरव जैसा पोता चाहिए और ज्योति मेरी बहू चाहिए। तब भी मेरा साथ भी है। मैं भगवान से दुआ मांगूंगी कि अगले जन्म में बहू ज्योति बने फिर। ले भाई ठीक है ठीक है, ये तो बनेंगे बनेंगे आशु अंजलि मेरे बच्चे, पर बहू भी सोचूंगी कि ज्योति बने। मम्मी ऐसी चाहिए पूरी की पूरी। मम्मी चाहिए या सास चाहिए सोच ले। सासुमा मम्मी होगी तो 20 साल से ज्यादा नहीं रखूंगी तुझे घर पे। 20 साल के बाद रफा दफा कर दूंगी सोच ले। मुझे सासू माँ चाहिए। अंजलि प्यारी है इसीलिए मैंने इसे 25 साल तक साथ रखा हुआ है। अच्छा बेटी बन गई तो फिर 20 साल में रफा दफा। बहू बन गई तो पूरी उम्र का साथ। ले भाई पता क्या बनना है ज्योति? ओ ज्योति ये क्या कर रहा है? ओ लड्डू प्याज ही प्याज खाएगा बेटा। अभी प्याज 60 रुपए किलो नहीं हुए फिर होटल में आके खाते हैं। अभी खाने का वो नहीं है, फ्री सस्ते हैं प्याज। भाभी खाएगी। तो अभी दोस्तों डिनर हमारा आ चुका है। आज हमने मंगवाई है जी पनीर बटर मसाला, दाल मखनी और साथ में बटर रोटी। तो फिलहाल जो है साथ में हमारे फ्राइड राइस और स्टार्टर जो है हमारे हो चुके हैं। तो फिलहाल जो है डिनर अपना एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं दोस्तों घर पे। और मुझे लगता है कि आज ना हम काफ़ी जल्दी फ्री हो गए। अभी 10:30 ही बजे हैं। वैसे ना मम्मी 11:30-12 बजे फ्री होते हैं है ना। आज जल्दी फ्री हो गए। नहीं नहीं भैया सर्व कर लेंगे कोई बात नहीं। और अंजलि आ जा, चलो भाई डिनर करो जल्दी। आज हम मम्मी जल्दी फ्री हो गए और जल्दी चलते हैं घर पे। ठीक है जी जाके स्टोरी पूरी करेंगे। हाँ और लड्डू बोल रहा है कि मम्मी नीचे से बलून लेना है।
इसके बाद ना बैलून वाले चले जाएंगे मम्मी। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं घर पे वापस और घर आते ही ना लड्डू ने तेरे पापा अपने रूप में वापस आए। ठंड लग रही थी पापा को। तेरी गर्मी भाई कैमरे का मुंह इस तरफ है, दूसरी तरफ क्या चल रहा था? लड्डू तप शुशु आया कह रहा है, शुशु आया चाटा मार के बता रहा है कि शुशु आया है। चल फिर चलते हैं, मुझे बीच में ले व्लॉग में। चल उधर देख फिर व्लॉग में देख। हेलो बोल सभी को, सभी को हेलो बोल, सभी को बता दे कि मुझे शुशु आया, बता दे शुशु आ रहा हूँ। शुशु ज्योति करवाई हो अपने आप ही चला गया। दिखा क्या कर रहा है, दिखा नहीं सकता ऐसे, छोटा थोड़ी है वो। कह रहा जा ज्योति, ज्योति को निकाल रहा है बाहर, जा कर लूंगा मैं अपने आप। तभी घर आते ही ना फुल मस्ती चल रही है और जो रील शूट हुई है ना वहां पे बहुत ही मजेदार वो अंजलि पोस्ट कर रही है अभी, तो देखना जरूर आप। नीता मनचंदा, मनचंदा फैमिली ब्लॉग, अंजलि मनचंदा, सोमनाथ मनचंदा, ज्योति मनचंदा, आशु मनचंदा और आरम मनचंदा, सभी की आईडी पे रील डल चुकी है, तो देखना जरूर। बेटे अब तो बदलने पड़ेंगे। गुड नाइट। ओ अपने आप उठा के लाया मम्मी आपका नाइट सूट, लो नाइट सूट लेके आ रहे।